आप लोगों ने अब तक देखा होगा कि फोटो एडिटिंग में सिर्फ वन टैप में ही कलर चेंज होकर एडिटिंग हो जाती है, वैसे वीडियो एडिटिंग में सिर्फ वन टैप में ही कलर ग्रेडिंग के साथ साथ बैकग्राउंड की कलर चेंज होने वाली है। ऐसे न्यू 100 प्लस वीएन फिल्टर लेकर आया हूं जिससे आपकी नॉर्मल वीडियो को इजीली एडिटिंग करके दे देगी। तो इन सारे वीडियो एडिटिंग वीएन फिल्टर को कैसे अपने वीएन पे डाल सकते हो सिर्फ वन टैप में ही, तो ये 100 प्लस वीएन फिल्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप वीएन फिल्टर को ले सकते हो। बट सारे फिल्टर एक जिप फाइल पे दी गई है जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मतलब जब जिप फाइल को अनजिप करोगे तो उसमें 6 नंबर डिजिट कोड डालना जरूरी है, मतलब 6 नंबर डालना है, और वो सीक्रेट कोड क्या है आपको मैं वीडियो के अंदर दिखा दिया हूं, और उसके बाद ये फिल्टर को ऐड कर सकोगे वीएन ऐप के अंदर। तो कैसे इंपोर्ट करना है सारे फिल्टर को वीएन के अंदर प्रैक्टिकली आपको मैं वीडियो के अंदर बताया हूं, एंड इसमें जो सीक्रेट कोड डाली गई है वो क्या है वो जानने के लिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो देखो इसके लिए 3 इजी स्टेप है ये फिल्टर को वीएन ऐप पे डालने के लिए। पहला स्टेप को आप पढ़ के समझ सकते हो आपको करना क्या है, जो कि बहुत ही आसान है, और सेकंड स्टेप भी बहुत ही आसान है, सिंपली आपको जिप फाइल को अनजिप करना है, जो कि मैं आपको इंट्रो पे बता दिया हूं, बट रिकैप करके अभी भी दिखा देता हूं आपको ताकि आपको आसानी से पता चल सके। लेकिन यहाँ पे मैंने जो सीक्रेट कोड डाला है, मतलब सीक्रेट नंबर डाली है, वो क्या है उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। दो दो एड करके 3 टाइम्स 6 नंबर डिजिट कोड आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे, दो दो एड करके 3 टाइम्स, एंड कोड जैसे आपको पूरा मिल जाते हैं आपको सारे कोड डाल देनी है। अनजिप होने के बाद सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाती है, एंड अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप में। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे वीएन वीडियो एडिटिंग ऐप को ओपन करके किसी भी वीडियो को ऐड कर लेना जिस वीडियो को आप कलर ग्रेडिंग एंड एडिटिंग करना चाहते हो, और इसमें आपको सिर्फ एक ही बार ऐड करना होगा, देन आपके ऐप पे परमानेंटली ऐड हो जाएंगे सारे फिल्टर, मतलब बार बार आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिल्टर को टैप करना है, देन आप देख सकते हो यहाँ पे जो डिफॉल्ट फिल्टर है वही है, अभी हमने जो हमारा फिल्टर है वो अभी ऐड नहीं करा है। ऐड करने के लिए सिंपली आपको इस ऐड वाली बटन को प्रेस करना होगा, देन आपको इस फोल्डर के अंदर आ जाना है, एंड जो हमने जिप फाइल दिया था उसे अनजिप करने के बाद एक जो फोल्डर क्रिएट हुई है उसे आपको ओपन करना होगा। उसके अंदर भी एक जिप फाइल है, बट आपको इसे अनजिप करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इसे टैप कर देना है, एंड यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, एंड यहाँ पे आपको 100 प्लस लिख लेना है या फिर कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो। इतना करने के बाद आपको सिंपली क्रिएट फिल्टर लाइब्रेरी को प्रेस करना है, यहाँ पे कुछ सेकंड लोड लेगी, लगभग 5 से 10 सेकंड तक यहाँ पे लोडिंग लेगी, या इससे ज्यादा भी ले सकती है, एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से सारे फिल्टर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ट्राई करके दिखाने वाला हूँ, जैसे मैंने किसी भी फिल्टर को सिर्फ टैप करा एंड हमारी कलर ग्रेडिंग हो गई, आप देख सकते हो, एंड यहाँ पे अलग अलग कलर ग्रेडिंग हो जा रही है, सिर्फ यहाँ टैप करते जा रहा हूँ, यहाँ जो बैकग्राउंड की कलर है वो चेंज हो जा रही है, एंड हमारी एडिटिंग अलग अलग कलर टोन्स पे भी हो रही है, एंड सिनेमेटिक ड्रामेटिक सारे यहाँ पे फिल्टर्स पे एडिटिंग हो जा रही है। ऐसे आपको 100 से भी ज्यादा फिल्टर मिलेंगे इसमें, जिससे आप अपनी वीडियो एडिटिंग इजीली कर सकते हो। और ये कोई फोटो नहीं है भाई, वीएन ऐप पे ऐड किया हूँ वीडियो है, मैंने अभी प्ले करके भी दिखाया था, एंड फिल्टर अप्लाई करने के बाद भी आपको मैं प्ले करके यहाँ पे भी दिखा दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाली फिल्टर को सेलेक्ट करा, मतलब अप्लाई करा, यहाँ पे आप ओपेसिटी को कम ज्यादा करके अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्ले करके भी दिखा दिया, एंड इस वाली वीडियो पे भी मैं फिल्टर अप्लाई करके दिखाता हूँ। इस वीडियो पे भी देख सकते हो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में एंड ड्रामेटिक स्टाइल में कलर ग्रेडिंग करके दे दे रही है। तो मैं बहुत सारे फिल्टर हैं, एंड मैं अपने आपको मैं सारे फिल्टर को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो आपने देखा मैंने 2-3 वीडियोस पे सारे फिल्टर को अप्लाई करके दिखाया, यहाँ पे अलग अलग कलर टोन पे वीडियो एडिटिंग हो जा रही है, एंड बैकग्राउंड भी मस्त से चेंज हो जा रही है। तो इन सारे वीएन फिल्टर को कैसे ऐड करना है वो तो मैंने बता दिया, एंड आपको यहाँ पे मैं स्टेप रिपीट करके बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में क्या करना है, आप फिल्टर तो ले सकते हो बट जिप फाइल को अनजिप करोगे तब आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि पासवर्ड इसमें डालना पड़ता है। तो अगर आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक अब तक देखोगे तो कोड आपको मिल गए होंगे, एंड लास्ट 2 डिजिट कोड आपको कुछ सेकंड बाद ये भी शो हो जाएंगे, मतलब आपके पास 6 नंबर डिजिट कोड फर्स्ट एंड थर्ड करके मिल गए होंगे। ठीक है, एंड जाओ अब उसे अनजिप करो, एंड थर्ड वाले स्टेप में सिंपली मैंने जैसे फिल्टर पे जाके ऐड वाले ऑप्शन पे जाके मैंने सारे फिल्टर को एक बार में ऐड करा, वैसे ही आपको मेरे स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, सो इस तरीके से आप इजीली इन सारे वीएन फिल्टर को ऐड कर सकते हो। आज मैं आप लोग को 100 प्लस वीएन फिल्टर ला के दिया था, एंड अगर आप 100 लाइक्स आज की वीडियो पे कंप्लीट करा देते हो 24 आवर के अंदर, तो नेक्स्ट वीडियो में आप 200 से ज्यादा वीएन फिल्टर की वीडियो बनाकर दे दूंगा, अगर लाइक की टारगेट कंप्लीट हो जाती है तब। बाकी मैंने फोटो एडिटिंग के लिए बहुत सारे प्रीसेट दे रखा है, अगर आपको प्रीसेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, बाय।